सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी सृष्टि सुख चाहती है, पर विदुर जी ने पूछा लोगों को दुख क्यों मिलता। तब कहा दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, दुखालयम, संसार को दुखालय कहते हैं। अब आप बताइए कि पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, तो दुखालय में जाने से क्या मिलेगा? दुख। ये संसार दुखालय है, यहां जो जो आया है उन्हें दुख उठाना पड़ा। कौन इस दुनिया में एक का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो? बताओ, आज तक करोड़ों लोग आपके पिता के पिता के पिता के पिता, लाखों पीढ़ियां आपकी आकर चली गईं। बताओ, आज भी आपके सामने करोड़ों लोग हैं, बताओ दुख का सामना किसे नहीं करना पड़ा? ये बताओ किसे नहीं करना पड़ा? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अवतार में आए, तो इन्हें भी तो सांसारिक इन दुखों, ये भले परे हैं सबसे पर व्यवहार जगत में तो इन्होंने भी, राम ने भी 14 वर्ष का वनवास का ये कष्ट उठाया कि नहीं? कौन ऐसा है जिसे दुख ना मिला हो? तो आपको और हमें दुख नहीं मिलेगा ये कैसे संभव है? आपको और हमें दुख मिलेगा। आज व्यक्ति दुखी इसीलिए है क्योंकि वो दुख से भाग रहा है। कहां तक भागोगे, कब तक? क्या तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा? आज यदि मैं जवान हूं तो कल मुझे बूढ़ा भी होना है, पर क्या मुझे पता नहीं है कि बुढ़ापा जब आता है तो 1000 बीमारियां लेकर आता है। बूढ़े बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, हाथ पांव में कमजोरी होती है, शरीर में दर्द होता है, क्या पता नहीं है? बुढ़ापा आएगा, शरीर रोगों का घर बन जाता है, हम सबको पता है। हम इस दुख के संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? एक बात बताओ, क्या नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नहीं। जैसे नाले में गंगा जल ढूंढने से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार ये संसार दुखालय है, यहां सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए सुख चाहते हो तो एक उपाय है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान की शरण में चला जाए। आज लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन दुखी इसलिए था क्योंकि उसने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया, और अर्जुन सुखी इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया, रथ की डोर भगवान को पकड़ाई, तो अर्जुन जीत गए कि नहीं? जबकि कौरवों की सेना सबसे ज्यादा बलवान थी, पांडवों की सेना तो छोटी थी। कौरवों के पास 21 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। सेना कम थी पांडवों के पास, कौरवों के पास सेना ज्यादा थी। पांडवों के पास योद्धा कम थे जबकि पांडवों के पास योद्धा कम थे। कौरवों के पास योद्धा कौन? गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया, वो कौरवों के साथ थे। पितामह भीष्म, जिनके बाणों का कोई सामना नहीं कर सकता, वो पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। पांडवों के साथ कोई बहुत बलवान था कौन? ये 5वां पांडव तो बच्चे थे। परंतु आपकी सेना भले ज्यादा हो, आपका बल भले ज्यादा हो, पर जीत उसकी होगी जो भगवान के चरण पकड़े बैठा है। हमारी भले कम सेना है, हम भले कमजोर हैं, पर हमने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, तो विजय उन्हीं की होगी जिन्होंने भगवान के चरण पकड़े। महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारी सेना कितनी बड़ी है, महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारा बल कितना बड़ा है, महत्व रखती है ये बात कि तुम्हारा भगवान के चरणों में विश्वास कितना है। अर्जुन को इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहां अनाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। अब क्या चाहिए? यही समर्पण। समर्पण सीखना है तो अर्जुन से सीख लेना चाहिए। आज लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना समर्पण नहीं करते भगवान के। कह एक बार हाथ उठाकर कह दो ना कि प्रभु मैं आपका हूं। द्रौपदी ने जब तक अपनी अपने पतियों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया, गुरुजनों को, भगवान नहीं आए। द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़ लेती है, क्या मैं कम हूं, छत्राणी हूं मैं दुशासन से निपट लूंगी। पर जब उनका भी बल नहीं चला तब दोनों हाथ खड़े करके बुलाना पड़ा, और जब बुलाई तो भगवान आए। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्तेदारों का बल है तब तक भगवान चुपचाप बैठे। अच्छा, रिश्तेदारों को बुला रहे हो, बुला लो। जब तक तुम्हारे पास नेताओं का बल है, भगवान बोला अच्छा नेताओं को बुला रहे, बुला लो नेताजी को। पड़ोसी को बुला रहे हो, बुला लो। बेटा को बुला रहे हो, बुला लो। बेटी को भी बुला लो। इसीलिए कहता हूं किसी को मत बुलाओ, केवल भगवान को बुलाओ। जब उन्हें पुकारोगे तो वह ही किसी ना किसी रूप में आपके पास आकर आपकी सेवा में लग जाएंगे, आपका काम बना देंगे, लाज जाने नहीं देंगे। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, यदि विश्वास द्रौपदी की तरह किसी का हो तो भगवान उसकी भी लाज बचाएंगे। पर विश्वास द्रौपदी की तरह होना चाहिए। द्रौपदी की तरह विश्वास होगा तो कल्याण होगा, पर नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि भगवान पर विश्वास कर लो, क्या घट जाएगा, क्या नुकसान हो जाए। इतना नहीं कर पाने से लोग बड़ा परेशान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़ मते, क्यों नहीं भजन करता, क्यों नहीं भगवान की शरण में आता, क्यों नहीं कहता कि नाथ मैं आपका हूं। बस इतना कह दे, समर्पण कर दे, सारा दुख क्षण चला जाए। पर इतना कहने में लोग ना जाने कितने जन्म गवा चुके हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पिस रहे। संसार में दुख क्यों मिलता है? क्योंकि संसार दुखालय है।